Assalamualaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel, Academy of Conceptual Education. And first of all, I would like to thank all of you जिन्होंने अब तक वीडियोस को लाइक किया है, और प्लीज डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन. पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में सिमुलेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे आज. बेसिकली हाउ कैन वी डिफाइन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन. इट इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग विच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्रॉम फॉल्ट्स थ्रू द आइसोलेशन ऑफ फॉल्टेड पार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तो बेसिकली आपको नाम से ही पता है कि पावर सिस्टम की जो हम प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, जो फॉल्टेड पार्ट होगा, जो फॉल्टेड एरिया होगा, उसको रिमेनिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से आइसोलेट करके. सो जो डिवाइसेस हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनको वी कैन से इट प्रोटेक्शन डिवाइसेस. जो भी हम फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए फॉल्ट को रेस्ट सिस्टम के फॉल्टी पोर्शन को रेस्ट सिस्टम के लिए आइसोलेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड प्रोटेक्शन डिवाइसेस. सो आज हम जो देखेंगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम, ईटैप शॉर्ट फॉर्म में इसका, कि आज की लैब में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम. तो इसका हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि हम ईटैप का इंट्रोडक्शन करें इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम का, एंड देन इसकी इम्पोर्टेंस और इसका यूज़ ऑफ ईटैप क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल ट्राई के मेक अ सिंपल SLD, एक सिंगल लाइन डायग्राम ईटैप पे ड्रॉ करेंगे, और आपको आइडिया हो कि इसके कंपोनेंट्स, इसके टूल्स, किस तरह हम कोई भी सिंपल SLD को हम ईटैप पे ड्रॉ करेंगे. और एट द एंड आई विल गिव यू अ टास्क और असाइनमेंट ताकि फॉर प्रैक्टिस, और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन दी कमेंट सेक्शन. सो बेसिकली जो पावर इंजीनियरिंग है इसमें देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स जो हम सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओवरहेड पावर लाइंस, पावर स्टेशंस, ट्रांसमिशन टावर्स, इलेक्ट्रिकल ग्रेड्स, ग्राउंडिंग, ये सारी जो हैं इनका हम मॉडल प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद वेरियस सॉफ्टवेयर्स पे हम उसको एनालाइज करते हैं, जैसे कि ईटैप है, मैटलैब है, IPSA है, डिजिसाइलेंट है. ये बेसिकली जो स्टार्ट में ये सॉफ्टवेयर यूज़ हुए थे और होते हैं अब भी, बट वी विल डिस्कस ईटैप इन डिटेल. ईटैप को हम आज डिटेल में देखेंगे कि ईटैप के ऊपर आप सिमुलेशन किस तरह कर सकते हैं. सो ईटैप बेसिकली क्या है? ये एक एनालिटिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करेंगे मॉनिटर करने के लिए अपने SLDs को, उसमें लोड कैलकुलेशन के लिए, उसमें ब्रेकर्स कैलकुलेशन के लिए कि ब्रेकर्स की रेटिंग क्या हो, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे ईटैप के ऊपर. कि हमारी जो सिंगल लाइन डायग्राम हम इस पर पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद वी विल डू इट ऑन ग्राउंड. सो वी विल वर्क ऑन ईटैप 12.6.0 वर्जन, ये वर्जन हम यूज करेंगे ईटैप का. सो इस लैब में वी विल ड्रॉ अ सिंपल सिंगल SLD, सिंगल लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ईटैप के ऊपर. इस SLD को हम ड्रॉ करेंगे, बट राइट नाउ इस SLD को देख के आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट ये है नहीं. जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे यू विल सी के SLD को ईटैप के ऊपर ड्रॉ करना कितना सिंपल है. सो एट द एंड
इंशाल्लाह यू विल सी के आपको इसमें कितनी हेल्प आउट होगी। इस SLD को आप इजीली ड्रॉ करेंगे। सो ई टैब को यूज़ किस तरह करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लिक ऑन ई टैब 12.6.0, तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन गो टू द फाइल, ये आपको फाइल नज़र आ रहा होगा, फाइल का ऑप्शन। गो टू द फाइल एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं एंड देन उसके बाद जस्ट गिव द नेम। फॉर एग्जांपल मैंने लैब वन का नाम दिया है एंड देन इफ यू वांट टू सेव इट इन एनी अदर फोल्डर यू कैन ब्राउज इट और देन यू हैव टू प्रेस ओके। अगर आप इसकी डिक्शनरी डायरेक्टरी चेंज करना चाह रहे हैं तो यू कैन चेंज इट बाय क्लिक ऑन ब्राउज। राइट नाउ वी कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके, बट लैब का नाम यू हैव टू मेंशन द लैब नेम। देन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द यूज़र इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन आपके पास आएगा सेकंड, जिसमें फॉर एग्जांपल यूज़र नेम आपने मेंशन किया। एंड देन प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस इन एक्सेस लेवल परमिशन। इसमें इसका मैं आपको पर्पस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ ईच बॉक्स को डिस्कस भी करूँगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल कंट्रोलर ऑप्शन है तो इट विल गिव यू, ये आपको तमाम जो कंट्रोलर्स के इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं वो उसके वो इसको जो है वो आपको मेंशन कर देगा। इट मींस के ये आपको एक्सेस मिल जाएगी उसकी। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फिलहाल आप राइट नाउ जस्ट टिक ऑल द बॉक्सेस इन द एक्सेस लेवल परमिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ वन लाइन डायग्राम। अगर आप बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पे देखें तो जो हम SLT हम ड्रॉ करेंगे इसके अंदर वी विल यूज 3 जनरेटर्स, 4 ट्रांसफार्मर्स, 3 स्टैटिक लोड, 3 इंडक्शन मोटर्स एंड 6 AC बसेस ट्रांसमिशन लाइन। ये दीज विल बी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वन लाइन डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे। अब ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन जब आप यूजर इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे तो आपके पास यू विल सी अ टूल बार, इस तरह की एक टूल बार आपको नजर आएगी। अब इस टूल बार को वी विल डिस्कस, यू कैन सेलेक्ट योर रिक्वायर्ड टूल, आप कोई भी टूल इसमें यूज जो भी आपको टूल चाहिए यू कैन सेलेक्ट इट। तो उसके बाद यू कैन यूज़ इट इन योर SLD, आप उसमें SLD में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जनरेटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस Gen 1 MW। अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास ये सिंबल आ रहा है, ये जनरेटर का सिंबल है। आप यहां से इसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग सेलेक्ट करें और उसके बाद मेन स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ऊपर जस्ट क्लिक करें और ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर दिया आपने, यू विल हैव वेरियस ऑप्शंस। और इसके अलावा भी अगर आप किसी टूल को डिस्कस करना चाह रहे हैं या कन्फ्यूजन है आपको किसी भी टूल से रिलेटेड, यू विल सी हेयर वेरियस रिलेज, ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल रिले, ट्रांसमिशन लाइन, AC बस, DC बस, AC लोड, DC लोड, AC मोटर्स, DC मोटर्स, ये बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, ब्रेकर्स, स्विचेस। तो ये सारे टूल्स आपको, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टूल तो वो हम लेटर ऑन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, फिर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। बट राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो जस्ट जनरेटर और ट्रांसफार्मर के ऊपर होगा, बिकॉज वी नीड टू राइट नाउ वी नीड टू ड्रॉ अ सिंपल SLD। तो उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 मेन स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 1 इज IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, एक स्टैंडर्ड ये है। एंड द सेकेंड वन इज ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये सेकंड स्टैंडर्ड है। अब हमने वी कैन यूज़ वी विल फॉलो IEC, हम अपनी SLD में जितनी भी पैरामीटर्स एंटर कर रहे होंगे
we will follow the IEC standard. So after this, just select three generators and three transformer from the toolbar. जैसे हमने previously discuss किया है कि आप तीन generators को select करके gen 1, gen 2, gen 3 और transformers को भी तीन select करके main screen पे paste कर दें. Then after this, just double click on transformer. Transformer पे double click करें and change the symbol from ANSI to IEC as we are following IEC standard. Now add buses in the toolbar. ये black color की जो lines हैं ये आपके पास, you can select it in the from the component bar. आप component bar या toolbar से आप AC buses को select कर सकते हैं. Then after this, just add DC load and induction DC load and induction motor from the toolbar. Toolbar में अगर आप DC load को भी देख सकते हैं, सिंबल ये है आपके पास, और similarly आप induction motor को भी select कर सकते हैं, इसका सिंबल भी आपको. तो उसके बाद similarly आपने इसको just click करके इस सिंबल को यहाँ पे paste कर दें, या toolbar पे click करेंगे, जैसे आपने generator और transformers को. अच्छा, एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब आपने IEC स्टैंडर्ड को चेंज किया है तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल चेंज हुआ है. प्रीवियसली आप देखें तो वाइंडिंग्स थी, जबकि अब आप देख रहे हैं दो सर्कल्स हैं. तो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो शेप में चेंज आया है, इसको आपने देख के घबराना नहीं है. ये जस्ट आपने जब IEC स्टैंडर्ड किया है तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल चेंज हो गया. देन आफ्टर दिस, नाउ एयर ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग टूलबार. ट्रांसमिशन लाइन का सिंबल, ये सिंबल है आपके पास, इसको भी आपने ANSI से IEC सिंबल चेंज करना है इसका. तो अब आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये जो ये सिंबल है ये ट्रांसमिशन लाइन का है. और अब इसमें भी अगर आप देखें ANSI सिम वो करेंगे, अगर आपका स्टैंडर्ड होगा तो ट्रांसमिशन लाइन का सिंबल इस तरह का होगा, बट जब आप IEC स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे इन दैट केस ट्रांसमिशन लाइन का सिंबल इस शेप का होगा. तो ये आप डबल क्लिक करेंगे ट्रांसमिशन लाइन पे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एंड यू कैन चेंज इट. नाउ कनेक्ट द ट्रांसफार्मर फोर्स विद द बस एंड लोड लाइन. वी विल हैव जस्ट यू नीड टू कनेक्ट इट. अगर आप उसके ऊपर जस्ट करीब कर्सर को लेके जाएंगे, यू विल हैव एन ऑप्शन टू कनेक्ट दीज बसेस विद द ट्रांसमिशन लाइन एंड विद द जनरेटर. आप देखें जनरेटर, बस बार, देन ट्रांसफार्मर, बस बार एंड देन एट द एंड लोड. तो ये बिल्कुल एक तीन हमने डिफरेंट सिंबल्स के हमने SLD ड्रॉ की है. नाउ आफ्टर दिस यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आपकी 0 मेगावाट जनरेटर कैपेसिटी आ रही, जनरेशन कैपेसिटी, और लोड भी 0 MVA और 0 HP की मोटर लगी हुई. तो राइट नाउ हमने जस्ट SLD ड्रॉ की है, हमने अभी तक पैरामीटर सेट नहीं किए. तो अब आप डबल क्लिक करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल जनरेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो उसकी कैपेसिटी आपने रखनी है जनरेटर 1 की 100 मेगावाट, 100 मेगावाट एंड 200 मेगावाट, और 6.3 kV एंड 11 kV उसकी जनरेटिंग वोल्टेजेस होंगे. नाउ अनदर थिंग इज कि जब आप जनरेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वेरियस ऑप्शंस होंगे. यू नीड टू गो टू द ग्राउंडिंग टैब एंड वहां पे जो ऑप्शन होगा वो ये आप ये देखें, कनेक्शन जो लिखा हुआ है सॉलिड, इसको आपने करना है. ठीक है, ये इस तरह की बार आपके पास ऑप्शन थी. ग्राउंडिंग ऑप्शन पे जाएं, रेटिंग ऑप्शन पे जाके यू हैव टू एंटर दिस रेटिंग, और ग्राउंडिंग ऑप्शन पे जाके यू नीड टू मेक इट सॉलिड. देन आफ्टर दिस ट्रांसफार्मर पे डबल क्लिक करें और इसकी रेटिंग आप एंटर करते जाएं. फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर 1 की प्राइमरी पे 6.3, सेकेंडरी पे 0.4 यानी कि 415 वोल्ट, या आप इसकी प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज आपने सेलेक्ट कर दिए. उसकी कैपेसिटी 50 MVA ग्राउंडेड सॉलिड. ग्राउंडेड सॉलिड के लिए आप सिमिलरली वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो जो हमने जनरेटर के लिए किया है.
And if you have any question related to parameters of generator or transformer, you can ask in the comment section. Similarly, आप ट्रांसफार्मर 4 की रेटिंग भी आप सेंड करेंगे. और रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू मेक इट ग्राउंडेड सॉलिड. एंड आफ्टर दैट, स्टैटिक लोड के पैरामीटर्स आप सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस. आप जस्ट पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास. एंड यू हैव टू एंटर इट इन द स्टैटिक लोड. एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपकी पैरामीटर्स आपको एंटर प्रॉपर नहीं हो रहे हुए, तो ये आपको यू हैव टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. देन इंडक्शन मोटर की जो नेम प्लेट रेटिंग है, यू कैन सी इट मोटर 1, मोटर 2, इट डिपेंड्स कि आप इसको वेरी भी कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि आपके पास लोड अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका आप बसेस पे ओवरलोडेड आपको शो कर रहे हैं. तो यू कैन सी, यू कैन नोट डाउन वन थिंग कि जब आपने पैरामीटर्स एंटर करेंगे उसके बाद यू कैन सी हेयर कि 100 मेगावाट. यू कैन सी हेयर कि आपको पैरामीटर्स मेन SLD पे डिस्प्ले हो रहे होंगे. सो इट इज वेरी बेसिक प्रोसीजर कि हाउ टू ड्रॉ दी SLD ऑन E-टेप. सो एट द एंड ऑफ ईच लेसन यू मस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ दैट व्हाट आई हैव लर्न टुडे. इंट्रोडक्शन टू E-टेप. E-टेप का आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम, इससे आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है आपका आज. और उसके बाद वी हैव डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेज ऑफ E-टेप कि आप इससे अपनी लोड फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपनी लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल. बट राइट नाउ आज की लैब में व्हाट यू हैव डिस्कस के टूल्स एंड कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं E-टेप के अंदर, और उनमें से कुछ टूल्स को आज हमने यूज करते हुए वी हैव ड्रॉ SLD ऑन E-टेप. E-टेप के अंदर हमने SLD draw kiye using those tools. So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask in the comment section. Hopefully kuch queries aapki next videos mein clear ho jayengi. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section ताकि आपकी जो queries हैं वो next videos में उसको tackle किया जा सके. So thank you very much. Take care. Allah Hafiz.